हैप्पी न्यू ईयर। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो बिना थके बिना डरे बस चलते चलो। मैं भी निकल गई हूँ इसी उम्मीद में, मैं भी निकल गई हूँ इसी उम्मीद में कि सूरज की पहली किरण बस कहीं से मुझे छू जाए, कि सूरज की पहली किरण बस कहीं से मुझे छू जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज मी ज्योति मल्होत्रा, योर होस्ट, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद जो। टुडे आई एम हेडिंग टू समवेयर इन उत्तराखंड फॉर माय ट्रैवल दैट इज रिलेटेड टू स्नो ट्रैक। आई हैव स्टार्टेड माय ट्रैवल फ्रॉम हिसार, एंड हिसार से मैं दिल्ली आई। दिल्ली से आई जस्ट रीच्ड देहरादून, और देहरादून में मैंने ऐश्रे होटल है जिसमें स्टे किया हुआ है, और यहाँ से अभी हम हेड करने वाले हैं टुवर्ड्स सांकरी। तो आज का ट्रैवल हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय। We just take a break, Rahul Restaurant. We will have breakfast. It's near to Kempty Falls. After that, we will move to Sankri. Hello, everyone. Hello. So, Sankri, we are going to Dehradun. My travel partner, Seema. You are from? Chhattisgarh. You are from? Chhattisgarh. You are from? Chhattisgarh. You are from? You are from? Andhra Pradesh. Andhra. And you are from? I am from Pan India. Hi, hello, how are you? ओके, तो अभी तक जैसा एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। और ये केदारघंटा का हमारा तो फर्स्ट ट्रैक है, एक्चुअली मेरा तो फर्स्ट है, बाकी को पता नहीं, सभी का फर्स्ट है ऑलमोस्ट। और होपफुली हम सबमिट करें, ये ऐसा उम्मीद हम कर रहे हैं। करेंटली वी आर गोइंग टू डू द सबमिट, एंड जस्ट फॉर दैट। आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो गाइस, एडवेंचर जर्नी बिगिंस फ्रॉम हियर। 1.5 किलोमीटर राइड हो, यहाँ से हमें वॉक करके जाना पड़ेगा क्योंकि बस भी यहाँ पे नहीं आ पा रही थी, स्लिप कर रही थी, इतनी स्नो है। स्नो पे से कैसे चल के आए हैं, कितनी बार स्लिप किया, बट फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। दिस इज द रूम जो प्रॉपर वुड से बने हुए हैं, एक होम स्टे है जिसमें हम स्टे करेंगे, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, थोड़ा कोल्ड भी फील हो रहा है मुझे। Please celebration of New Year. We are enjoying the red tea. Black tea. Yeah, black tea, red tea. Yeah. Chai hai na, chai piyo. Hi, kahan se aap? Chennai. Ye hai Chennai wali. Aur ye light leke aaye hue hain. Ye light ka bahut sundar arrangement hai. Kaun leke aaya hai? Fairy light. Kaun leke aaya hai? Fairy lights. Hey Shubham, he is नीरज एंड अभिजीत, ये तीनों मुझे यहाँ पे मिले सांकरी में। दे आर फ्रॉम हिसार। एलकेजी के साथ पढ़ रहे हैं, मुझे क्या मिल रहा है? मैं देहरादून से हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में हिसार का है। रियली नाइस मीटिंग टू देम। मैं अपने हरियाणा के हिसार शहर से बहुत प्यार करती हूँ, आप भी करते हैं बहुत ज्यादा। रियली कोइंसिडेंस, और बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है। ऐसा कोइंसिडेंस मेरी लाइफ में होता रहे तो और क्या चाहिए मुझे। अनएक्सपेक्टेड प्री न्यू ईयर सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। लाइटिंग का जो क्रेडिट है वो इनको जाता है, मैं खुद बता रहा हूँ। कोरोना के टाइम पे यही कर रहा था। गुड नाइट फ्रॉम सांकरी। हेलो, गुड मॉर्निंग, इट्स माय ब्रश टाइम। हम यहाँ पे ब्रश करने में लगे हुए हैं। जंप लाइक अ मंकी। ये है हमारा सांकरी में बेस कैंप, जहाँ पे हमने 50 लोगों ने स्टे किया। ये है बेस कैंप सांकरी का, मुझ कर लेती हूँ मैं। सांकरी जो है 6500 फीट की हाइट पे है अप्रॉक्स। यहाँ तक की जर्नी बाय रोड थी, और इसके बाद हम लोग यहाँ से अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे केदारकंठा पीक, जो कि ऑलमोस्ट इसकी डबल हाइट पे है जहाँ पे हमें सबमिट करनी है। और मॉर्निंग व्यू का जो नज़ारा है, यू कैन सी बिहाइंड मी, वाओ यार। और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी। ठंड का अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, मॉडरेट लग रहा है मुझे। शायद इतना वार्म एयर और इतना सब वार्म एयर करने की वजह से थोड़ा ठंड भी कम लग रही है। और रात को लाइट चली गई, अभी तक लाइट नहीं आई है, और सिचुएशन में
ठंडे पानी में नहाना इट्स इम्पॉसिबल टास्क. बड़ी मुश्किल से एक मग मुझे पानी मिला जिससे मैं ब्रश कर पाई हूँ. और ये देख सकते हैं वॉशरूम लाइन लगी हुई है, तो मैं भी अपनी लाइन में लगी हुई हूँ. अभी तो फिलहाल जो है हम सांकरी लेक कैंप में हैं और वॉशरूम के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे. इनके पीछे किचन भी है, बहुत ही स्मॉल सी ऐसी किचन है जहाँ पे इन्होंने रात को काफ़ी अच्छा खाना खिलाया था हमें. टी टाइम एंड वी आर हैविंग द किचन. वेरी स्मॉल बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लिविंग. क्या बना रहे भैया आज खाने? प्लेन परांठा है और आलू भाजी है. ओके, अचार मिलेगा. दीज गर्ल्स आर सर्विंग आवर ब्रेकफास्ट. आलू की सब्जी है, खत्म होने को है. साथ में परांठे है जो बताया था एंड में. वीडियो बनाई है ना खाना खा के, इसलिए. आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता. आपका? नेहा. मेरा नाम मीना है. बहुत अच्छा खाना खिलाया, थैंक यू. आप हमें लेके जाने वाले हो ट्रैकिंग के लिए? ट्रैकिंग के पहले के जाऊंगा. हाँ, हाय एवरीवन. यदि आप लोग कहीं बाहर जाते हो ना, तो आप अच्छा ड्राई टॉयलेट है, टॉयलेट रोल लेके जाना सभी लोग. ठीक है, पहले बता रहा हूँ, वहाँ पे कोई पानी पूरी यूज नहीं करेगा. टॉयलेट यूज करोगे, बीट बना रखा है, गड्ढा बना रखा है, वहाँ उस पर फटे लगे. ठीक है, टॉयलेट टेंट है. ठीक है, फ्लैश फ्लैश कुछ नहीं वहाँ पे. ड्राई टॉयलेट है, टॉयलेट स्लम डॉग देखे हो ना? एक चीज और है भाई, स्मोकिंग टेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं. टेंट जलेगा, फटेगा, तो आपसे पैसे लिए जाएंगे. जिसके पास जो कि हमें अभी पैकिंग से पहले क्या क्या चीज़ों को कैरी करना है जो कि इसेंशियल थिंग्स होंगी. इसके अलावा अननेसेसरी चीज़ें जो भी हैं हम वो यहाँ सेंट्री में जो बदल से हमें दिया है घर के जाने वाले. वी शुड कैरी टॉयलेट पेपर एंड वन हेड टॉर्च. तो आई जस्ट कैरी वन ऑफ माय ट्रैकिंग बैग. इस ट्रैकिंग बैग में मैंने अपने थर्मल इनर वियर, हेड टॉर्च, ड्राई फ्रूट और कुछ इसेंशियल थिंग्स जो मुझे खानी है वो. सिर्फ BSNL काम कर रहा है और BSNL फोन जो नेटवर्क होल्ड किए हुए हैं वो है ये साइंस जो कि आंध्रा से आए हैं. तो इनके फोन से ही मैं अपने घर पे कॉल करूंगी. अभी इनके फोन में भी यहाँ नेटवर्क नहीं है, थोड़ा सा आगे चलेंगे वहाँ पे नेटवर्क है. आई नीड टू कॉल एट माय फोन. ये सिचुएशन है यहाँ पे सांकरी में और आगे आगे जाकर तो और भी डिफिकल्टीज होने वाली. एंड गुड बाय टू सांकरी बेस कैंप. इट्स नॉट एन इजी ट्रैक. अभी 700 मीटर आए हैं. 700 मीटर में ही जान करने को है. हाँ, बहुत ज़्यादा तेज सन लाइट है. बाकी सब बहुत दूर है, अभी नीचे आ रहे हैं. स्लोली स्लोली दे आर कमिंग. ये सही है, एक्टिव बॉय स्नो ट्रैक पार्टनर. हेलो, वी हैव टीज 2 किलोमीटर. आई थिंक ये हाइट होगी 8000 फीट की. हियर यू कैन सी अराउंड मी देयर इज लॉट ऑफ स्नो. 2 आवर्स लग चुके हैं और 2 आवर्स और लगेंगे अभी यहाँ से. स्मॉल साइड ब्रेक भी है. रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन माई लाइफ. स्नो ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है. वेदर अच्छा होने की वजह से इतनी डिफिकल्टी नहीं हो रही है, तो वेदर ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है. और अगर अच्छा वेदर रहा तो हम केदारकंठा सबमिट भी कर पाएंगे. यस, और वो करना भी चाहते हैं, वो उसी के लिए तो आए. बहुत से लोग जो थे 26-27 जो डेट थी उसमें गए थे, वो नहीं कर पाए बिकॉज स्नो इतना ज़्यादा हो गया था. कह रहे थे कि 6 फीट तक है. इतनी स्नो होने की वजह से पॉसिबल नहीं था जा पाना. बट नाउ आई कैन फील इतनी अच्छी सनलाइट है, तो सनलाइट में आई थिंक हम कर पाएंगे सबमिट और कर पाएंगे. क्रॉस कैंप नज़दीक, मंजिल हमारी पास आ चुकी है. फाइनली 4 किलोमीटर का ट्रैक करके वी जस्ट एट आवर डेस्टिनेशन. हाउ्स द जोश? हाय मैम. हाय, गुड. जहाँ हम स्टे करेंगे आज. These are the camps. और थोड़ी थोड़ी सी स्नो, थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा स्नो. क्या बात है यार, मज़ा आ रहा है. मंजिल एक स्टेप, एंथुजियास्टिक फील आ रहा है. अभी तो एक ही स्टेप क्लियर हुआ है हमारा. यार सुपर ऑसम. एंड लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग न्यूज. हिसार के 5 पर्सन यहाँ पे आए थे ट्रैकिंग के लिए और वो सब टॉप 5 में है, इंक्लूडिंग अंकित, शुभम, नीरज, ज्योति, अभिजीत. ओके, आप कहाँ से? हिसार.
ईशान से। ओके सो फाइनली हर गांव पहुंच चुके हैं और हर गांव में जो मेरा स्टे है वो ये कैंप है। क्यूट लिटिल स्मॉल। सबसे पहले इस बैग को अनटाई करती हूँ। आपको एक बात पता है इंटरेस्टिंग सी क्या है? हिसार के 5% सबसे पहले पहुंचे हैं। ये हिसार से है दोनों। यही है हम साथ में ही। हिसार वालों को अलग लगाया है। हिसार वालों को अलग रखा गया है। हिसार वालों कैंप अलग है। इसलिए अलग रखा क्योंकि सब ज्यादा नोटी होते हैं। उनको भी बदल लिया हिसार से। थोड़े से ज्यादा बदमाश होते हैं। बदमाशी यहाँ नहीं करनी लेकिन। Okay. अभी जो है वो फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आए हैं। जो फर्स्ट मंजिल थी अचीव कर लिया है। थोड़ी देर के लिए यहाँ रिलैक्स करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे है वहाँ पे लंच का अरेंजमेंट है, लंच करेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून गाइस, बाय। नाउ लेट्स हेड टू लंच। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी चावल, कड़ी और दाल, कड़ी दाल चावल, दाल एंड राइस। चलो खा लेते हैं, एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा। इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं हर गांव बेस कैंप और ये तो बस एक शुरुआत है। मंजिल कितनी खूबसूरत होगी इसका अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं था। केदारकंठा पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कुछ भी इस ट्रैक से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क फ्रीली। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लॉट्स ऑफ लव गाइज।